गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं और इस वक्त कोटा में सभा को संबोधित कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पक्ष में। किसी को बताना मत, मगर हाँ एडवांस में बता देता हूं, बताओ सभी सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, परंतु यहां से पूरा नहीं होता। 13 सीटें बची है, उसमें भी खाता न खुले 25 सीटों का हैट्रिक लगाने का काम मेरे कोटा बूंदी वालों को करना है। कोटा बूंदी वालों को, भाई और बहनों, मैं बिलरा जी को बहुत सालों से जानता हूं। हमने संगठन का भी काम साथ में किया, संसद में हमारे स्पीकर साहब थे। इतने नकारात्मक विपक्ष के रहते हुए भी लोकतांत्रिक तरीके से संसद को चलाने का काम हमारे बिरला जी ने किया। बिरला जी के प्रयासों से कोटा को एयरपोर्ट की सहूलियत मिली है, हिंडोली में मेडिकल कॉलेज बना है, कोटा में अलग से नर्सिंग कॉलेज बना है और अस्पताल को बड़ा बनाकर विश्व कक्षा का 500 बेड का अस्पताल बनाने का काम भी चालू है। कोटा वालों, बूंदी में खेल संकुल बनाया जिसमें सिंथेटिक ट्रैक, स्विमिंग पूल और इंडोर गेम के लिए स्टेडियम भी बनाने का काम चालू है। भाई और बहनों, मैं कोटा को कहने आया हूं, अगर आपने 19 में कांग्रेस को वोट दिए होते तो PFI PFI का गढ़ बन जाता। नरेंद्र मोदी को वोट दिया, नरेंद्र मोदी जी ने PFI को समाप्त कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। अब ये लोग कहते हैं हम PFI पर बैन हटा लेंगे। कोटा वालों, मुझे बताओ PFI पर बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी पार्टी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, 5 साल तक गहलोत की सरकार रही, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ने दिया। आपने भजनलाल शर्मा की डबल इंजन सरकार बनाई, 3 ही महीने में हमने एग्रीमेंट कर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम किया। भाई और बहनों, ये कहते हैं ERCP का पानी कोटा बूंदी को नहीं मिलेगा, इनका मत साथ सुनना, ये झूठ फैलाने वाले लोग हैं, झूठ फैलाने वाले। मैं आपको कहकर जाता हूं कोटा बूंदी वालों, ये मोदी का गारंटी है, हर गांव, हर दाणी, हर खेत में ERCP का पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी मोदी जी की है, ये मोदी का गारंटी है। भाई और बहनों, लोगों को छोड़िए, हमने तो पशुओं की भी चिंता की।